हर पक्षी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी चोंच। अगर किसी पक्षी की चोंच ना रहे तो शिकार कैसे करेगा, नतीजा उसे भूखा ही मरना होगा। लेकिन इस धरती में ईगल एक ऐसा पक्षी है जो अपने चोंच को खुद ही तोड़ देता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करता है, जबकि इसकी चोंच टूट जाने पर इसकी मौत भी हो सकती है। ईगल की जीवन काल अनुमान 70 साल तक होता है, लेकिन जब ये 40 से 45 साल के होते हैं तब इनके पंख काफ़ी भारी हो जाते हैं। चोंच कमजोर होने के कारण ये ना ढंग से उड़ पाते हैं ना ही ढंग से अपना शिकार कर पाते हैं। तब उनके सामने दो ही ऑप्शन होता है, एक तो ऐसे ही कमजोर पड़े रहें और मरने का इंतजार करें, दूसरा सभी पुराने चीज़ों को तोड़ के नए उगाने की। और ये दूसरे रास्ते को चुनते हैं। जब ये किसी पत्थर से चोंच को मारते हैं तो चोंच टूट जाता है और नया उग जाता है। नया उग जाने पर ये अपने पुराने पंखों को उखाड़ देते हैं। फिर 2 से 3 महीने में जब नए पंख आते हैं तब ये फिर से आसमान में राज करने, लेकिन ये हार नहीं मानते हैं। बाकी कल इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।